नगर पालिका में निगरानी समिति की बैठक आयोजित, पालिका चेयरमैन व ईओ ने बांटी कोरोना किट। वहीं जनपद रामपुर में नगर पालिका परिषद में निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निगरानी समिति के सदस्यों व ईओ ने कोरोना किट बांटी। इस मौके पर पालिका चेयरमैन फातिमा जबी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत खतरनाक है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में निगरानी समिति के सदस्यों की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई है। इसके साथ ही हमें अपना ख्याल रखते हुए अपनों का भी ख्याल रखना है। कोरोना संक्रमण को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतें, ताकि इस महामारी से लड़ा जा सके। ईओ डॉक्टर इंदु शेखर मिश्रा ने कहा कि नगर पालिका के 5 वार्डों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। वार्ड संख्या 3 में 40, 7 में 44, 11 में 35, जबकि वार्ड संख्या 12 में 73 कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जिन पर निगरानी समिति की पूरी मुस्तैदी के साथ नज़र रखनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि पालिका क्षेत्र में संक्रमण वाले एरियों पर बैरिकेटिंग व बाहर से आए लोगों पर पूरी नज़र रखी जाए, ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस मौके पर सभासदों ने पुलिस विभाग द्वारा निगरानी समिति के लोगों के साथ की जा रही बदसलूकी की शिकायत की, जिस पर ईओ ने पूरे मामले को DM व SP को बताने की बात कही। पालिका चेयरमैन फातिमा जबी ने ईओ डॉक्टर इंदु शेखर मिश्रा ने संयुक्त रूप से निगरानी समिति के सदस्यों को कोरोना किट में थर्मल स्क्रैनर प्लस ऑक्सीमीटर मास्क वितरित किए।